बादल बरसा भी जूली सावन को। मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अरे तो क्या करूं ना हूं। सो लेट्स गेट एंटरटेन टुगेदर। बड़े मजे आने वाले हैं, तो बैठ जाओ एक जगह, बैठ जाओ, सिट डाउन। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अविनाश ने धक्का दिया। लेट्स सी। सुनो सुनो, रख नहीं सकते। देखो साहब, बहुत सही अभिषेक भाई, बहुत सही, कुछ तो अच्छा बोला आपने। यही इस लायक ये ओ भैंस की आंख। ये अविनाश कितना बड़ा वाला है यार, धक्का दिया, साफ दिख रहा है भाई। इतना तो झूठ मत बोलना, क्योंकि हम अंधे थोड़ी ना है। तुझे लग रहा होगा कि भाई आसपास किसी ने नहीं देखा, मतलब किसी ने नहीं देखा। अबे पूरे घर में कैमरा लग रहा है, जो किसी ने नहीं देखा ना वो हमने देखा है। I can see you from behind. अरे भैया तू क्या देख लियो, ये पूजा भट्ट को क्या दिक्कत है भाई, वो लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई है, आपको बीच में कूदना जरूरी है? नहीं जरूरी है, हद है, कोई मतलब नहीं है। नहीं अभिषेक, कंट्रोल, हद है भाई, गुस्सा आती है भाई। ये क्या बात हुई कि हाँ बड़ों की लड़ाई में छोटे नहीं बोल सकते? अरे छोटों की लड़ाई में भी तो बड़े को नहीं बोलना चाहिए ना। बात तो सही है। एक तो वो इतना प्यारा बंदा गुस्सा करता नहीं है, कभी कभी करता, अच्छा लगता है देखने में। चलो अभिषेक ने आज गुस्सा किया ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे इस टास्क के बाद अभिषेक भैया डायरेक्ट पहुंच चुके हैं फाइनल में। हाँ अब बस ट्रॉफी उठाते और देख ले। वैसे ट्रॉफी ये उठाए चाहे एल्विश भाई उठाए या मनीषा उठाए, फर्क नहीं पड़ता यार, तीनों ही अच्छे लग रहे हैं इस बार तो बिग बॉस में। और आपको क्या लगता है कि कौन उठाएगा ट्रॉफी, कमेंट करके जरूर बता दो फटाफट से, और किसको सपोर्ट कर रहे भी बता देना। मैं नहीं बताऊंगा। और जरूरी बात, मेहमानों के लिए जो भी सामान भेजा गया है आप घर वाले उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बिग बॉस। नो 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 यार एलिश भैया हमने देख लिया, आई स्पाई। और कैमरा भी लाइक, एम आई जोक टू यू ब्रो, एम आई रियली जोक टू यू, एम आई जोक। आशिका वॉन माय हार्ट। अच्छा मनीषा को लेकिन इस हफ्ते बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। आई एग्री, ठीक है। इवन जो एलिश ने विवेका को लेके बोला था उसमें जिया भी खड़ी थी, बट जिया को कुछ नहीं बोला गया। एटलीस्ट मनीषा ने ये तो कहा कि जाने दीजिए मत बोलिए, अभिषेक ने कहा था बस कर, बट जिया तो खड़ी थी। जापान में चुगली करनी थी तो उस टाइम वो बोल सकती थी, बट उस पर उंगली नहीं उठाई गई। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बार बार ये क्यों आ रहा है कि मनीषा ने कुछ नहीं बोला, जिया ने भी तो नहीं बोला। वही तो, लेकिन टारगेट करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि सोशल मीडिया वाले हैं और वो बॉलीवुड वाले हैं ना, तो उनको कोई कैसे कुछ बोल सकता है। जलवा है हमारा, इतना गंदा डबल फेस है ना बिग बॉस का, हद हो गई है यार। भाई तुम एक शो चला रहे हो जिसमें तुम्हारी नजरों में सारे कंटेस्टेंट होने चाहिए, लेकिन तुमने बांट रखा है कि ये बॉलीवुड वाले हैं, आई लव यू। तुम सोशल मीडिया वाले हो, यूट्यूबर्स हो, तुमसे हम टीआरपी कमाएंगे, तुम्हारे दम पे हम कूदेंगे, लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भाई, अलग अलग ही मतलब लेवल ही क्रॉस कर रखा है। अल्फाज नहीं मेरे पास है बिग बॉस के लिए, इतना गंदा है ये आदमी औरत जो भी है। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। पूजा भट्ट का नाम नॉमिनेशन में आया और अगेंस्ट में उसके मनीषा हो। एलविश भी नहीं, फुकरा भी नहीं, बस मनीषा हो। जो मजा आएगा ना फिर। मनीषा बैठी हुई है, पूजा जा रही है, बाय बाय। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। सच में यार, मतलब अब जब ऐसे सोचती हूँ, अब जब ऐसे मनीषा के साथ मेरे साथ मेरी, तो वैसे डिफरेंस मुझे समझ आ रहा है। मनीषा बहुत बेटर है। बताया मनीषा को मैंने ऐसे बोला, ठीक है। नहीं वैसे तो दोनों सेम ही है, लेकिन नॉर्मली जब तुम ऐसे बात करो ना, एक दिन में बैठिए ना, चार दिन जब बैठ जाएगी ना उसके बाद बात करें। मेरी शिट, मैं क्या करती रही थी पूरी सीजन में, तो गधी थी। ये लोग कितने अच्छे थे, मेरे वाले कितने कुत्ते थे।
ये फोटो फाटो लिख लो जाओ दंग बैठो थे भाई ऐसे ऐसे इसमें क्या प्रॉब्लम है लोग जलते हैं पता है तो ऐसे ऐसे तो क्या ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे मनीषा के साथ बैठता है तो कैसे कैसे बैठता हूँ मनीषा के साथ 20 बार बोलूंगा ऐसे पता नहीं यार क्या देख लिया क्या बोल गया भाई गंदी गंदी बातें क्यों बोल रहा है भाई बहुत बहुत सही कह रहे हो अभिषेक भैया बहुत पछताएगी बाहर आने के बाद की काश मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठती काश मैं अभिषेक की ग्रुप के साथ बैठती काश तो आज मुझसे भी लोग प्यार कर रहे होते हैं क्योंकि बाहर निकलने के बाद मुझे जहां तक लगता है बहुत ज्यादा ही हेट मिलने वाला है जिया को हेट नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ी सी ट्रोल जरूर होने वाली है क्योंकि जो उसने ऐसे रंग दिखाए हैं ना अंदर घर के टूट गए यार हम तो क्योंकि पहली और आखिरी जो झलक होगी इसकी ना बहुत ही बुरी होने वाली है पहली झलक में कितनी प्यारी मासूम सी और आखिरी बेकार है भैया मैं तो टूट गया शो मी द बेटर आई कॉन्टेक्ट देन दिस अबे यार अरे महेश अंकल किसी को तो छोड़ दो भाई मनीषा जी या बेबी का अपनी सगी बेटी और अब अविनाश क्या देखना चाहता है ये बंदा दूसरे के चेहरे पे मनीषा को यूं करके पकड़ा हुआ था बिना टच किए समझ में नहीं आएगा चेहरा दिखेगा नहीं ऐसे पकड़ के ही देखेंगे इसलिए एक परिवार में 6 बच्चा करने का ये सब फायदा होता है कसम से इसलिए हम बोलते हैं कि हम 12 करेंगे 2 दर्जन कभी कुछ ऐसा रियलिटी शो दूसरों को मौके नहीं देना साला अपने खानदान के साथ में कितने होते हैं अपने खानदान के साथ में जाएगा यार कितनी बड़ी बक यार ये क्या है ये लड़की क्या 1 दर्जन में कितने 12 मतलब 2 दर्जन मतलब 24 नहीं हम 1 दर्जन करेंगे अभी खुद कहती 2 दर्जन पता ही नहीं है दर्जन में कोई बात नहीं भूल गई होगी इतना बोलती है ना बोलते बोलते कुछ लफ्ज ऐसे निकल जाते होंगे इसके कोई बात नहीं आप ज्यादा रोमांटिक है तो आपके लिए चुप दे एल्विस भाई बोला चुप हो जा 2 मिनट चुप हो जा सांस लेने दे तो मेरे को मनीषा भाई इतना इरिटेट कर देती है ना ये बंदी बस वो मार नहीं सकता बताइए कुछ ऑफिस करने का मैंने जो बोलिए मैं हूँ चौबीस मैं तो मम्मी का वेट कर रहा हूँ मेरी बात चौबीस ज्यादा इसमें हो जाएगा मम्मी का वेट कर रहा हूँ रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन कर रहा है मेरी बात बंदे को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में नहीं आप सुनिए 24 बच्चा होगा उन लोग का नाम ही होगा अरे क्या बोलूं मैं अपना अपना एंटरटेनमेंट है और दोस्तों के साथ ऐसे कर लेना चाहिए कभी कोई फालतू की बात है शाबाश बेटा घिया के साथ होता है तो वही अलग बहुत ही अलग दिखता है अलग बिहेवियर होता है तेरा ऐसा तूने नोटिस किया है क्या मैं बातें सुन रहा हूँ कितनी अच्छी बातें हैं मुझे याद आ रही है आशिका की नहीं आशिका आशिका की नहीं अपनी गर्लफ्रेंड्स की एस मतलब जिन्होंने धोखे दिए मुझे उनकी बात से थोड़ी सेम सी लग रही हंसी ऐसे थी ऐसे हुई है मतलब जब भी एल्विस शांत बैठा होता है ना और वो कुछ बोल रहा होता है उसके बाद जो पंच आने वाला होता है ना बहुत तगड़ा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है बोल अब ले सुन सिस्टम पार देंगे बस एक ही गाना आपको सुनाएंगे सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात आपका बेटा लाएगा मेरे घर ही 12 बस अभी कुछ नहीं बोला अंकल इस पे मत कुछ बोलिएगा नो डाउट ये एल्विश के पापा हैं नो डाउट एवरीबॉडी इज माय एनिमी मी हैव टू मूव मैं बोलता हूँ तेरे को मिल मेरे को कई बार के भार मिल लेना ये कर लेना वो कर लेना ये सब अपने आप को बड़े तुरम खां और बड़े दादा समझते हैं है ना कि इसको लपेटे में ले लूंगा इसको देख लूंगा इसको फोड़ दूंगा कुछ नहीं ब्रो सलमान भाई के मूड स्विंग्स चल रहे हैं इट्स ओके वो अपने ही वर्ड्स भूल जाते हैं रह रह करके उनको तो ये भी याद नहीं है कि वो जो हिरन था छोड़ो आगे बढ़ते हैं
अपने को नेचर से मतलब टेस्ट क्या लड़कियों में अच्छे नेचर की साफ दिल की और घमंडी ना हो 1% भी इन तीनों में से मैं कुछ भी नहीं अलवेश मैंने तुम्हारी बात अरे मैं ये समझ ही इतना कड़ा सर कहता मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या आप कहना चाहते हो कि आशिका जी आप अलवेश का टाइप हो हम दोनों हैं आप अपनी बात हम दोनों हैं और तुम्हें घूंघट में चाहिए ठीक घूंघट मतलब उसमें भी आ जाएगी मैं पहन लूंगी भाई दवे आशिका सेठ मैं पहन लूंगी पसंदीदा मर्द के लिए औरत कुछ भी कर सकती है ब्रो आज की वीडियो तो बस इतना ही होगा वीडियो पसंद आएगा गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राधे राधे